हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आस्ट्रा इन्फोटेंट में। हाल ही हमने टीवी पे न्यूज़ में देखा कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर किया है अपने आर्थिक हालात सुधारने के लिए। लेकिन सिर्फ ये 20 लाख करोड़ सुन के हमें पता नहीं चलता कि ये जो रकम है, ये जो राशि है, वो कितनी बड़ी है एक्चुअली। तो यही हम पता करने के लिए हम हर रोज़ जो चीज़ें यूज़ करते हैं हम उसके एग्जांपल्स लेंगे, उसके उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि असल में ये जो राशि है, ये जो रकम है, वो कितनी बड़ी है। तो चले हम देखते हैं। तो यस, ये तो मोटू पतलू में का फेवरेट है। और ये समोसा देखे हैं, मैं आपको एक सिनारियो बोलता हूँ। समझ लीजिए कि आपका बर्थडे है और बर्थडे के दिन आपने पूरे इंडिया को इनवाइट कर लिया है। पूरे इंडिया को यानी हाँ, 130 करोड़ देशवासियों को आपने इनवाइट कर लिया है अपने बर्थडे पार्टी में। तो एक पीस समोसा हम ऐसे मान के चलते हैं कि 10 रुपयों का है और आपको 130 करोड़ इंडियंस आपके पार्टी में आए हुए हैं। और अगर आपने आपके मोहल्ले वाले समोसे वाले भैया से कहा कि भैया ये 20 लाख करोड़ ले लो और इसके मुझे समोसे दे दो, तो 2 लाख करोड़ समोसे बनेंगे। 2 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा है, तो कैसा समझेंगे? चलिए मैं और आसान कर देता हूँ। ये जो समोसे है वो अगर अपने घर पे आए हुए मेहमानों को यानी 130 करोड़ भारतीयों में अगर ये सब समोसे अपने बांट दिए तो 1538 हर एक के पास इतने समोसे आएंगे। जी हाँ, यानी इस पूरे 20 लाख करोड़ रुपए में 130 भारतीयों को, हर एक भारतीय को जो आपके घर में पार्टी में आया है, उसको 1538 समोसे मिलेंगे। चलिए अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं और इस बार अगले चीज पे आते हैं जो कि समोसे से थोड़ी महंगी है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रही है थाली। तो फिर से एक सिनेरियो आपको मैं बोलता हूँ। थाली यानी कैसे, हमें जैसे पानी पूरी वगैरह खाने अच्छा लगता है, हम मॉलों में जो छोटी छोटी दुकानें होती है वैसे, तो वैसे वाले होटल में नहीं और बहुत ही जो फाइव स्टार जैसे होटल रहते हैं वैसे भी होटल नहीं, जो अपना नॉर्मल एवरेज होटल रहता है जहाँ पे अच्छा खासा खाना मिलता है, वैसे वाले होटल में अगर हम जाएं तो हमें खाना मिलता है 200 रुपये के आसपास। चलिए मान लेते हैं कि एक थाली खाना 200 रुपये में आता है। हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं तो दिन में के हमें 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो फिर ऐसा 400 रुपये खर्च करेंगे तो देखिए, 400 रुपये दिन के मान लें तो मैंने कैलकुलेशन किया है कि एक महीने के कितने हो गए, एक साल के कितने हो गए, और ऐसे करते करते कैलकुलेशंस में पाया गया कि 13 करोड़ 69 लाख साल आप खाना खा सकते हैं। जी हाँ, ये जो रकम है 20 लाख करोड़ की, ये इतनी बड़ी है कि 13 करोड़ 69 लाख साल आपको खाना खाने के काम आ सकती है, इतनी बड़ी रकम है ये। तो ये हो गया अपना दूसरा उदाहरण, चलते हैं अगले उदाहरण पे। चलिए ये तो तीसरा उदाहरण हमारे कार का है, वहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा है रेगुलर सीडान। उसका मतलब है कि बहुत ही छोटी कार भी नहीं और बहुत ही बड़ी और आलीशान तरह की कार भी नहीं, जो अपने वैसी एवरेज या नॉर्मल हमारे जो कार्स आते हैं वो हम कंसिडर करेंगे, वो हम यहाँ पे अपने कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करेंगे। तो ये तो बहुत काफ़ी आसान है। अगर मान लें कि एक कार जो रहती है वो अगर 10 लाख रुपयों में मिलती है तो फिर ये तो बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसे 2 करोड़ कार आप इस राशि से खरीद सकते हो, यानी कि 20 लाख करोड़ में आपको 2 करोड़ कार्स मिलेंगे अगर हम ऐसे नॉर्मल वाले कार ले तो, बहुत छोटी भी नहीं और एकदम आलीशान वाली, हाई एंड वाली भी नहीं। तो ये था हमारा तीसरा उदाहरण, चलते हैं चौथे उदाहरण की तरफ। तो हमारा अगला उदाहरण है पेट्रोल का। जी हाँ, यानी आप हर रोज ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते वक्त आपको हफ्ते में, 2 हफ्ते में आपको कुछ तो पेट्रोल भरना पड़ेगा और उसके लिए आप कुछ पैसे खर्च करते हैं। तो हम देखेंगे कि इस 20 लाख करोड़ में आप कितने दिनों के लिए या कितने समय के लिए आप पेट्रोल भरा सकते हैं। तो चलिए, एक हमें अब मालूम है कि आजकल पेट्रोल 75 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उसके आगे ऐसा मान के चलते हैं कि आपकी बाइक 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल आपने भरा तो 40 किलोमीटर बाइक चलती है। और आगे ऐसा भी मानते हैं कि आपका ऑफिस आपके घर से 10 किलोमीटर है, यानी आने जाने के रोज के कितने हो गए, 20 किलोमीटर हो गए। तो 20 किलोमीटर दिन के पकड़ते हुए अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक महीने में आप 600 किलोमीटर चलाओगे
और इन 600 किलोमीटर के लिए अगर हिसाब लगाएं तो आपको 15 लीटर पेट्रोल एक महीने में भराना पड़ेगा। तो एक महीने में 15 लीटर पेट्रोल के लिए आप 1125 रुपये खर्च करेंगे, और यही अगर हम साल का कैलकुलेट करें तो 13500 रुपये आपको पेट्रोल के लिए लगेंगे। यानी ये ऊपर दिए हुए जो फिगर्स हैं, यानी पेट्रोल का रेट, कितना माइलेज है और कितना ऑफिस दूर है, ये ऊपर दिए हुआ अगर हम एवरेज ऑन एन एवरेज पकड़ ले तो आप साल का 13500 रुपये पेट्रोल पे खर्च करेंगे। तो भाई 20 लाख करोड़ में आप कितने सालों के लिए खर्चा उठा पाओगे? तो कैलकुलेशन से आंसर है 148 करोड़ साल। यानी 20 लाख करोड़ रुपए अगर आपको सिर्फ पेट्रोल भरने के लिए दिए जाए तो आपको ये पैसे 148 करोड़ सालों के लिए पेट्रोल भरने में काम आएंगे। जी हाँ, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए अभी हम अपने आखिरी उदाहरण की तरफ पढ़ते हैं, आखिरी उदाहरण जो कि है मंगलयान का। जी हाँ, एक ऐसी चीज़ जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जो कि भारत ने 2013 और 2014 के दरमियान हासिल कर ली थी। जी हाँ, वो था मंगलयान। तो हम जानते हैं कि उस समय मंगलयान के लिए 450 करोड़ रुपयों का खर्चा आया था, जो कि दुनिया में इस प्रकार के मिशन के लिए सबसे कम था। और मैं जानता हूँ कि अभी ये 2020 चल रहा है, तो फिर ऐसा हम इन्फ्लेशन, महंगाई वगैरह हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, और मोटा मोटा यही रकम पकड़ के अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 20 लाख करोड़ रुपयों में ऐसे 4444 मंगल मिशन या 4444 मंगलयान हम यानी भारत लॉन्च कर सकता है। है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए, और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल तो मैं भूल ही गया, जो कि उस दिन न्यूज़ चैनल पे पूछ रहे थे कि भैया 20 लाख करोड़ में जीरोस कितने होते। तो चलिए, ये तो बोनस ये भी देख लेंगे। हाँ भाई, तो आ गया मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ मैनी जीरोस। तो अभी हमें मालूम है कि हमारी जो रकम है, या सपोज मान लीजिए कि आपको ये रकम किसी को कल देनी है और उसको चेक में लिख के देनी है, तो कितने जीरोस दिखेंगे? तो अपने पास 20 लाख करोड़ रुपीस, तो 1 लाख यानी हम सब जानते हैं कि 5 शून्य होते हैं, और 1 करोड़ यानी हम जानते हैं कि 1 आगे 7 शून्य लगाए जाते हैं। बस हो गया, तो जैसे ऊपर लिखा है वैसे जीरोस ऐड करते जाओ। यानी 20, तो मैंने 20 लिख दिया, फिर लाख यानी मैंने 5 जीरोस लिख दिए, और करोड़ यानी मैंने 7 जीरोस लिख दिए। तो अगर ये सब मिला के इकट्ठा में नीचे लिख दूँ तो ये 20 लाख करोड़ मतलब कुल मिला के 2 पे 13 शून्य रहते हैं। तो अगर आपको आगे से कोई पूछे कि भैया 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता देना कि 13 शून्य होते हैं उसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू देन।